देखिए यस, चलो 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 चलो, ये देखिए छोटा बेबी देखिए किस टाइप से हैंड फीडिंग ले रहा है। वाओ, तो मैं छोटा को मैंने हैंड फीडिंग है, ये एग ले ऑलरेडी किया हुआ है, ये फीमेल यहाँ पे, और एक साथ तीन के तीन चिक्स, बेहतरीन थ्री चिक्स देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। अब फीमेल इतने तो एक भी लेकर गया, वाओ मेरा लगता है इतना अच्छा लगता है। और ये हमारे कुछ अफ्रीकन ग्रे के जो छोटे छोटे चिक्स है, और उसके साथ जो मेरे जाइंट्स है इसके चिक्स है, मैं उसे अभी फार्म जाने से पहले मैं सोचा कि उसे अभी हैंड फीडिंग कर दूं। तो ये मेरा अफ्रीकन ग्रे का जो जाइंट साइज का जो मेरे यहाँ पे बेबी, आ जाओ चलो चलो आ जाओ यस यस। तो मेरे ये जाइंट साइज के जो मेरे दो चिक्स है, ये दो चिक्स को आज मुझे हैंड फीडिंग करना है। और ये देखिए, अरे रुको रुको रुको, और ये देखिए जाइंट साइज का जो चिक्स है उसे मैं हैंड फीडिंग करूंगा, उसके साथ जो मेरा छोटा चिक्स है उसे भी मुझे हैंड फीडिंग करना है। तो अभी हैंड फीडिंग करके जस्ट मैं फार्म में जाऊंगा, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फार्म में कितना अच्छा ब्रीडिंग हुआ है। ये तो अफ्रीकन ग्रे तो बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग हमारे फार्म में हुआ है, लेकिन अब मैं लेके जाऊंगा सन कॉर्नियर का। सन कॉर्नियर का भी हमारे फार्म में बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग हुआ है। तो फ्रेंड फाइनली मैंने 20 ml खिलाया, और देख सकते हैं क्या स्पीड में इसने 20 ml खा लिया। और ये 20 ये 40 ml में एक एक बर्ड्स को मैं दे रहा हूँ। और ये देखिए बिल्कुल ये अच्छा, रुको रुको तुमको भी दूंगा, तुमको भी दूंगा, तुमको भी। तो मैं ये जाइंट साइज के जो मेरे कॉन्गो है मैं उसे हैंड फीडिंग अभी कर रहा हूँ, और उसके बाद आज का स्पेशल जो वीडियो मैं लाऊंगा, आप अपने बर्ड्स का ब्रीडिंग इतना अच्छा कैसे कर पाएंगे, अब मैं दिखाऊंगा आपको। सन कॉर्नियर का भी बहुत ही अच्छा, रुको 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 चलो चलो चलो, यस 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 यस। तो आप भी अपने बर्ड्स को इस टाइप से आप हैंड फीडिंग इजीली कर सकते हैं। और ये दो देखिए बेबी आपस में कितना मस्त, छोटा बर्ड्स है ना, टॉकिंग भी अच्छा करता है, बात भी अच्छा करता है, और देखने में भी बेहतरीन लगता है। और ये ज़्यादा फेमस इसीलिए क्योंकि वो टॉकिंग में बहुत अच्छा है। तो मैंने 40 ml ये लोग को मैंने दे दिया हूँ, अभी और दूंगा, लेकिन उसके पहले जो मेरा छोटा चिक्स है, ये भी मेरा अफ्रीकन ग्रे का काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये अफ्रीकन ग्रे का इतना ही छोटा चिक्स है ना, देखिए अभी ये तो पैर पे बहुत ही अच्छा से स्टे कर रहा है। तो इसे मैं अभी हैंड फीडिंग करूँगा, ये देखिए यस, चलो 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 चलो, ये देखिए छोटा बेबी देखिए किस टाइप से हैंड फीडिंग ले रहा है। वाओ, तो मैं छोटा को मैंने हैंड फीडिंग मैंने इसको दे दिया हूँ, उसके साथ और एक छोटा बेबी अफ्रीकन ग्रे है उसे भी मेरे को हैंड फीडिंग करना है। ये देखिए चलो 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 चलो, यस 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 यस। तो मैंने दोनों अफ्रीकन के चिक्स को मैंने हैंड फीडिंग ऑलरेडी दे दिया हूँ, उसके साथ यहाँ पे एक सन कॉर्नियर का चिक्स है उसे भी मैं हैंड फीडिंग दे देता हूँ। चलो यस 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 यस। तो फ्रेंड फाइनली मैंने दो अफ्रीकन ग्रे सन को, और उसके बाद मैं अभी अफ्रीकन ग्रे को अभी और दूंगा, क्योंकि ये जाइंट साइज का है ना, ये इसका जो मतलब जो ये कैपेसिटी है ये लगभग 60 ml का, इसमें देख सकते हैं मैंने इसको भी 60 ml 20 40 ml और प्लस 20 60 ml, और इसे भी मैं दूंगा 60 ml। चलो यस 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 यस, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। फाइनली फ्रेंड मैंने अभी अपने बर्ड्स को सारे को हैंड फीडिंग दे दिया हूँ, अब जल्दी से मुझे जाना है फार्म, और मैं दिखाऊंगा आपको मेरा फार्म का ब्रीडिंग प्रोग्रेस कितना बेहतरीन हुआ। तो चलिए फ्रेंड इसको रखता हूँ, अब लेके जाता हूँ अपने फार्म में। तो हाय फ्रेंड, जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभिषेक देख रहे हैं, मैं अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल में करता हूँ स्वागत। वीरू, क्या वीरू क्या हुआ वीरू, मुझसे काफ़ी ज़्यादा आज प्यार कर रहे हैं। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तार को छोड़ो, तार को छोड़ो, क्या कर रहे हो वीरू, क्या क्या खाए हो वीरू ने, आज टाइट खाना खाया, क्या क्या खाए हो आज वीरू लोग को। सॉफ्ट फूड मैं दिया हूँ, स्पेशल गन्ना दिया था, कॉर्न दिया था, काफ़ी सारे सॉफ्ट फूड मैंने प्रोवाइड किया था, और सब बर्ड सभी खाना खा लिया। और आज मैं फार्म आया है वीरू को सुताने, और वीरू ने यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। और आज वीरू क्या दिखाना है, आज मेरे को दिखाना है मेरा कॉर्नियर का ब्रीडिंग, काफ़ी सारे मैंने चिक्स ऑलरेडी उठा चुका हूँ वो भी दिखाऊंगा, प्लस मेरा ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसा है वो भी दिखाऊंगा, और प्रोग्रेस इतना अच्छा कैसे करूँ वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड मैं और वीरू दोनों आज जाऊंगा चेक करने के लिए कितने सारे छोटे छोटे नए बच्चे हमारे फार्म में हुए हैं, और हर एक बच्चे को आज करूंगा, और कुछ कुछ बच्चे को तो मैंने पकड़ के निकाल भी दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा वीरू को। क्यों वीरू देखना है ना, तो देखिए मेरे मैकाओ कितना इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वाह वीरू सब समझता है। तो चलिए फ्रेंड फाइनल जितने सारे चिक्स है ना, सारे चिक्स को मैं लेता हूँ, सारे चिक्स को अभी निकालूंगा, और भी काफ़ी सारे ब्रीडिंग हुए हैं,
काफी सारे ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड उसके अंदर में और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे क्या क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ है और कितना बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, कुछ दिन से मामी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए आज मेरा मामी यहाँ पे है और देख सकते हैं मामी ने पूरा अपनापन। क्या हुआ मामी? मामे क्या गुस्सा है? गुस्सा करो मामी। यस मामी क्या हुआ? वाह वाह मामे, यस मामी। मामी को मैंने आज बोला कि नहीं आज तुम यहाँ पे रहो, मामी मेरे यहाँ पे है। उसके साथ मैंने जो चिक्स निकाला था वो फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितने सारे मैंने चिक्स निकाला था, ये सन कॉर्नर के काफ़ी बेहतरीन ब्यूटीफुल सारे चिक्स है। तो ये सारे चिक्स को देख सकते हैं, कितने सारे चिक्स को मैंने ऑलरेडी निकाल दिया हूँ और इसे सारे को हैंड फिट भी करना है, इसे बाद में जाके हैंड फिट भी करूँगा। तो ये सारे चिक्स देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे सारे सन कॉर्नर का फार्म का बेहतरीन। और सारा देखिए फ्रेंड रेड स्प्लिट, सबका हीट अगर आप चेक करेंगे ना तो सबका हीट फ्रेंड रेड है, सारे रेड स्प्लिट के चिक्स है, काफ़ी बेहतरीन रेड स्प्लिट के सन कॉर्नर के, इतने अच्छे अच्छे। और मेरा सन कॉर्नर तो बहुत ही मेरे को फेवरेट लगता है, इतना अच्छा लगता है। और लगभग आज ही तो इतने सारे चिक्स मैंने ऑलरेडी सभी के बॉक्स से मैंने निकाल लिया हूँ, और जो जो छोटे छोटे थे ना मैंने अभी उसे वहाँ ही छोड़ दिया हूँ। इतने छोटे छोटे में प्रोग्रेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मेल जैसे बाहर है, यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। इसलिए फ्रेंड फाइनली यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो आज का मेरा सबसे पहला अगर मैं बॉक्स खोलूँ तो देख सकते हैं ये फीमेल मेल यहाँ पे है और ये एग है, ये एग ले ऑलरेडी किया हुआ है, ये फीमेल यहाँ पे। और एक साइड चिक्स है ना, एक चिक्स है, देखो देखो उसके पैर के सामने में, ये देखो चिक्स है, ये एक चिक्स है। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं बॉक्स को फिर लॉक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड और एक बॉक्स में अगर मैं आऊँ तो ये बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कितना एग ले किया हुआ है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में भी काफ़ी सारे एग है, 1, 2, 3, 4, 5। वाह बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो ये फ्रेंड ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके साथ इसका भी मेल फीमेल अभी अंदर में जा रहा है, बट अभी तक इसने ले नहीं किया, और काफ़ी जल्द भी ये इसने भी एग ले कर देगा क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मेटिंग कर चुकी है। इसका भी मेल एंड फीमेल बाहर है। एक बार यहाँ पे भी मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। वाह वाह 3 के 3 चिक्स, बेहतरीन 3 चिक्स देख सकते हैं, कितने छोटे छोटे हैं। अभी शायद 5 डेज पहले ये सारे चिक्स शायद बॉर्न हुए होंगे। उसके साथ में अगर दिखाओ तो ये भी देख सकते हैं फ्रेंड, वाह बेहतरीन, वाह ये फीमेल क्या एग्रेसिव फीमेल, इसने तो एक भी लेकर दिया। वाह मेल एंड फीमेल कलर देख सकते हैं, क्या बेहतरीन कलर है मेल फीमेल का, काफ़ी अच्छा कलर है। उसके साथ मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ इसके भी फीमेल बॉक्स में जा रहे हैं। वाह ऑसम, इसमें भी आप देख सकते हो फ्रेंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और फीमेल अभी एग्रेसिव मूड में, ये इसका एक पे फीमेल बैठा हुआ, तो मतलब अगर बोला जाए तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, इतना अच्छा है। और लगभग तो और जो 5-6 बॉक्स से तो मैंने सारे चिक्स निकाल लिया हूँ, वो सब के सारे चिक्स। मामी को देखिए, मामी को यार देखिए, वाह मामी, यस मामी पूरा खोल दिया मेरे मामी ने। यार मामी आज तुम तो डांस करने का मूड में है ना मामी, मामी को मैं लेके आता हूँ क्योंकि मामी पूरे डांसिंग करने का मूड में है मामी। तो मामी को मैंने ऑलरेडी बाहर मैंने मामी को लेके आ गया। और वीरू देखिए फ्रेंड, वीरू पूरा मतलब पूरे मैंने फार्म में मेरे यहाँ पे क्या ब्रीडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वीरू वॉच आउट करेगा। क्यों वीरू, सब तुमने वॉच कर लिया ना मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ, कितने चिक्स हुए। तो फाइनली काफ़ी सारे चिक्स हो गए, वो चिक्स भी अब यहाँ से लेकर जाऊँगा और उसके साथ खाने वाले हैं। और मेरे कैमरामैन को दिखा दो एक बार, ये देखिए वीरू, वीरू कितना बदमाश है, जो मेरा कैमरामैन के हेड में जो कैमरा कर रहा था ना उसके हेड में वीरू लेकिन चढ़ गया। और देखिए कितना डिस्टर्ब करता है, कितना मस्ती करता है। और वीरू देखिए उसके हेड में, लो तुम ये पकड़ लो, कैमरा पकड़ लो ठीक। हमें वीडियो शूटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम करता है वीरू, बार बार आके इंजॉय करता है, बार बार खेलता है। तो चलिए फ्रेंड फाइनली वो जो सारे चिक्स है ना, वो सारे चिक्स को मैं निकाल के लेके आता हूँ और लेके आज ये सारे चिक्स को लेकर जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे चिक्स हो गए हैं, ये सारे चिक्स को लेकर घर जाना है। और उसके बाद ये सारे चिक्स को मैंने ऑलरेडी ले लिया हूँ, और जो सारे छोटे छोटे चिक्स को अभी नहीं, फाइनली 10 to 15 डेज बाद और जितने सारे एग ले हैं और जितने सारे छोटे चिक्स हैं सब जब ऐसा हो जाएगा, ऐसे में आ जाएगा, तो ये सारे को लेकिन ऐसी टाइप से 10 चिक्स 15 चिक्स 20 चिक्स करके लेके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड फाइनली अब इसे यहाँ ही लेके जाऊँगा, इसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी रख देता हूँ। और जितने लोग भी हमारे पैरेट अभिषेक फार्म से जुड़े हुए, कैसा लगा ये प्रोग्रेस? लगभग अगर बोला जाए तो यहाँ सन का ब्रीडिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है,
फाइनली अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग सेटअप जिसको काफ़ी लोगों का इंतजार में है। नेक्स्ट वीडियो 100% अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर लाएंगे और आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ आप लोग के सामने आने वाला है, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो गुड न्यूज़ आएगा उसका भी वीडियो आपके सामने अपलोड होगा। आशा करता हूँ जो लोग पैराडोबिक फार्म से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग ये वीडियो देखे हुए थे कि अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग सेटअप यहाँ पे कैसा चल रहा था, वो लोग जानते होंगे कि यहाँ पे क्या गुड न्यूज़ आने वाला है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट में बोल दीजिए कि अफ्रीकन ग्रे ब्रीडिंग सेटअप का क्या गुड न्यूज़ आना है। जो लोग देखे हैं वो लोग 100% जानते हैं। तो फाइनल फ्रेंड, आज का वीडियो यहाँ एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह पैराडोबिक फार्म में बेहतरीन ब्रीडिंग सेटअप वीडियो लाते रहूँगा। तो फ्रेंड धन्यवाद।